स्वागत है दोस्तों एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन कोचिंग बाय डॉक्टर सुधीर सर में। दोस्तों जिस तरह से आयोग ने परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है, जिस तरह से सारी तस्वीरें क्लियर हो चुकी हैं, आप भी अपनी तैयारी में लग चुके होंगे। मैं भी अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको निरंतर जो मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ उसी श्रृंखला में आज हम उपस्थित हैं आपके बीच में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। इस प्रैक्टिस सेट में आयोग के पैटर्न के मुताबिक मैंने सारे प्रश्नों का चयन किया है, जिसमें सारे यूनिट्स के प्रश्न शामिल हैं। आप उसको देखें, अपनी जो आपकी तैयारी है उसका आकलन करें, मूल्यांकन करें, अपनी एक्यूरेसी को चेक करें, क्योंकि अब आपके पास सब कुछ सारी तस्वीरें क्लियर हो चुकी हैं। निरंतर जो प्रयास आपने किया है उसके परिणाम प्राप्त करने का समय आ चुका है। आइए देखते हैं प्रश्न को। पहला प्रश्न है, भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत केंद्रीय जल मंत्रालय ने इनमें से किन दो नदियों को सम्मिलित किया है। दोस्तों एक बात और हम आपको बता दें कि यह जो प्रैक्टिस सेट है, या अब जितनी भी हमारी प्रैक्टिस सेट है, करीब करीब 30 प्रैक्टिस सेट हमने प्रिपेयर्ड की है, उसकी अगर PDF आपको चाहिए तो आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। मैंने बताया था आपको कि 30 प्रैक्टिस सेट, 15 करंट अफेयर के प्रैक्टिस सेट, साथ ही साथ और भी जो हमारे यूनिट वाइज प्रैक्टिस सेट हैं उनकी PDF और 25 बायलैंगुअल टेस्ट सीरीज जो है हमारी उसकी प्रैक्टिस सेट आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं बहुत ही न्यूनतम राशि अदा करके। और ये प्रैक्टिस सेट भी अब बायलैंगुअल हो चुके हैं, जो हिंदी में थी वे सारे मटेरियल अब इंग्लिश में कन्वर्ट हो चुके हैं। उसको प्राप्त करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल आते हैं हम पहले प्रश्न की तरफ। विच ऑफ दिज टू रिवर्स हैव बीन इंक्लूडेड बाई द यूनियन वाटर मिनिस्ट्री अंडर इंडियाज फर्स्ट रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। और इसका जो सही जवाब है, यहाँ पे जो चार ऑप्शन आपको दृष्टिगत हो रहे हैं उसमें केन और बेतवा दो रिवर को पहली बार नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। यद्यपि इससे संबंधित बहुत सारे इन्वायरमेंटल इशूज और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जब भी कोई पहला शब्द आता है उसको आपको अपने ध्यान में रखना होगा तैयारी के दौरान। बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, नासा के किस यान ने 42 वर्षों की यात्रा के बाद, दोस्तों ध्यान रखना होगा क्योंकि जो आयोग प्रश्नों का चयन करता है उसमें साल दो साल पहले के करंट अफेयर्स को भी सम्मिलित रखता है, तो कुछ प्रश्नों को हमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रिपेयर करने होंगे जो थोड़े यूनिक हैं। और ख़ास तौर पर जो सिलेबस का हिस्सा है, रिसर्च जो रिसेंट रिसर्च संबंधित जो आयोग का हिस्सा है उसको भी ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि नासा की किस यान ने 42 वर्षों की यात्रा के बाद नवंबर 2019 में सूर्य की परिधि तक पहुँचने का रिकॉर्ड कायम किया। विच नासाज स्पेस क्राफ्ट हैज सेट अ रिकॉर्ड ऑफ रीचिंग द सन सर्कमफेरेंस इन नवंबर 2019 आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ ट्रेवल। वॉयेजर 2 इसका सही जवाब हुआ दोस्तों, दूसरे का बी। बढ़ेंगे हम तीसरे प्रश्न की तरफ। और तीसरा प्रश्न जो यहाँ पर आप देखेंगे, तीसरा प्रश्न कह रहा है जो कि करेंट एनवायरमेंटल इशूज है और इस तरह के प्रश्न आते रहे हैं, इसको दिमाग में आप रखिएगा। वाइल्ड लाइफ सेंसस 2020 के अनुसार, यह प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप अपने ध्यान में रखिएगा कि वाइल्ड लाइफ सेंसस 2020 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी घोषित की गई है। संख्या पूछता है मित्रों, परीक्षा में संख्या पूछता है, लिहाजा आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि कितनी संख्या घोषित की गई है। यह टेंटेटिव नहीं है, यह एक एक्यूरेट फिगर जो घोषित की गई है वह है 2967 2967 जो सेंसस के अकॉर्डिंगली घोषित की गई है बाघों की संख्या, जिसमें आपको पता है मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा है, कर्नाटक राज्य में बाघों की संख्या में दूसरे स्थान पर है। सबसे ज़्यादा जो बाघों की संख्या किसी टाइगर रिजर्व में है तो श्री सैलम जो आपका टाइगर रिजर्व है उसमें ज़्यादा है। ये सारी बातें हम आपको बता चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिस सेट की बात हो रही है, टेस्ट सीरीज की बात हो रही है, बायलैंगुअल प्रैक्टिस सेट की बात हो रही है, तो जिसको भी
अगर हिंदी वर्जन में थोड़ी भी समस्या है, वह इंग्लिश वर्जन के भी बायलैंगुअल टेस्ट सीरीज हमसे प्राप्त कर सकता है। आगे बढ़ेंगे, थोड़ी सी न्यूनतम राशि अदा करके वो सारी चीज़ें आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और चौथा प्रश्न जो है वह आपके स्पोर्ट्स से है। शिव थापा किस खेल से संबंधित हैं? शिव थापा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? दोस्तों, बॉक्सिंग। बॉक्सिंग के बहुत ही जाने माने खिलाड़ी शिव थापा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न जो है वह आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से है। भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थिति पर जांच पड़ताल करने के लिए 1902 में नियुक्त आयोग के अध्यक्ष थे। हु आर द चेयरमैन ऑफ द कमीशन अपॉइंटेड इन 1902 टू इन्वेस्टिगेट द स्टेटस ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज थॉमस रेलिंग। थॉमस रेलिंग की अध्यक्षता में यह जांच कमेटी गठित की गई थी। तो थॉमस रेलिंग इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से शोध के किस प्रकार में मौजूदा स्थितियों में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसर्च फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग एक्सिस्टिंग कंडीशंस? और इसमें जो है जो सही जवाब होगा इसका वह होगा फंक्शनल रिसर्च, क्रियात्मक शोध। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है मूल्य शिक्षा का उद्देश्य निम्नांकित में से किस पर संकेंद्रित कर अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता है? मूल्य शिक्षा का उद्देश्य यानी कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ वैल्यू एडुकेशन कैन बी वेल फुलफिल्ड बाई फोकसिंग ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? और इसका जो सही जवाब होगा, जो चार ऑप्शन दृष्टिगत हो रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं अभी से ही प्रारंभ से ही लेकर के अभी तक मैंने कभी भी चारों ऑप्शन नहीं पढ़ा, जिससे कि आपका समय बच पाए। इसको आप अपने अकॉर्डिंगली पढ़ लीजिएगा, अपने आप को इवेल्युएट कर लीजिएगा। मैं लगातार आपसे कहता हूँ आप अपने आप को मूल्यांकित करिए और अपनी पोजीशन को फाइंड आउट करिए कि कहाँ पर आपकी वीक पॉइंट है, कहाँ पर आपकी स्ट्रांग पॉइंट है। बहरहाल इसका जो आंसर हुआ वह हुआ मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना से, सेंसिटिव टू ह्यूमन वैल्यूज। तो यहाँ पर सी इसका सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है और आठवां प्रश्न यहाँ पे एक बार पुनः आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से है और उस प्रश्न को देखें। एक्स और वाई दो चर सहसंबंधित हैं। इसका अर्थ है कि दो चर द टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई आर कोरिलेटेड। दिस मीन्स दैट टू वेरिएबल। अब आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा एक साथ परिवर्तित होते हैं, चेंज टुगेदर। इसका सही जवाब हुआ। दोस्तों, टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्न सदैव से थोड़े से कठिनाइयों के सबब रहे हैं, लेकिन निरंतर प्रैक्टिस के माध्यम से इस कमी को भी दूर किया जा सकता है। बढ़ेंगे अगले नौवें प्रश्न की तरफ और नौवां प्रश्न जो है वह ICT के लिए है। गूगल सर्च इंजन कब प्रारंभ हुआ? व्हेन डिड गूगल सर्च इंजन बिगन? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा 1998, यानी कि 1998 इसका सही जवाब हुआ, नौवें का डी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम इन कंप्यूटर सिस्टम? इसका जो सही जवाब होगा वह होगा MS Office। इसका सही जवाब हुआ। दोस्तों, जो भी प्रश्न आयोग के द्वारा तय किए जाते हैं या किन्हीं परीक्षाओं में तय किए जाते हैं, जो सामान्य ज्ञान के लिए समर्पित होते हैं, उसमें प्रश्नों का स्तर जो होता है वह बहुत टफ नहीं होता। बस आपको निरंतर उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, निरंतर आपको उसमें आपको ज्ञान होना चाहिए कि प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं और उसका सही उत्तर क्या है। जब आप उसको पकड़ लेते हैं तो आपसे गलतियाँ कम होती हैं और इसी से आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप 25+ करें, जिससे कि आपका स्कोर इतना अच्छा रहे कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न है इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किस प्रकार निश्चित होती है? हाउ इज द कंप्यूटर आइडेंटिफाइड ऑन द इंटरनेट? IP एड्रेस इसका सही जवाब हुआ।
चार ऑप्शन आप देख लीजिएगा। यहाँ पर जो सही जवाब होगा आईपी एड्रेस के थ्रू आप जो है कंप्यूटर की पहचान इंटरनेट पर करके निश्चित करते हैं। आगे बढ़ेंगे 12वें प्रश्न की तरफ और 12वां प्रश्न है, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से सबसे अधिक संग्रह क्षमता किसकी होती है। जो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है निम्न में से, आप जो जेटाबाइट और जो सारे संग्रह भंडारण जो क्षमता है उसमें नहीं जाते हैं, यहाँ पर जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली इस चीज़ को सदैव आप ध्यान में रखेंगे कि अगर जो प्रश्न पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंगली आपको जवाब देना है। तो यहाँ जो प्रश्न पूछा गया है जिसमें किलोबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट और मेगाबाइट का वर्णन किया गया है, एग्जाम्पल दिए गए हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें सबसे ज़्यादा संग्रहण क्षमता किसकी है, तो वह है टेराबाइट की। बढ़ेंगे 13वें प्रश्न की तरफ और 13वां प्रश्न है, कंप्यूटर प्रणाली के अंतर्गत डेटा हस्तांतरण की आवृत्ति सीमा को क्या कहते हैं। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी लिमिट ऑफ डेटा ट्रांसफर अंडर कंप्यूटर सिस्टम कॉल्ड बैंडविड्थ। इसका जो सही जवाब है वह है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ के माध्यम से डेटा जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, डेटा जो ट्रांसमिशन होता है, उसकी आवृत्ति सीमा को हम इस नाम से पुकारते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है जो बड़ा ही ट्रेडिशनल प्रश्न है, लेकिन ट्रेडिशनल प्रश्न को भी आपको अपने जहन में रखना होगा कि उसमें कहीं गलती करने की गुंजाइश ना हो, क्योंकि अगर आप वेल नोन क्वेश्चंस को, ट्रेडिशनल क्वेश्चन को गलती कर देते हैं, किसी भी गलती से गलती कर देते हैं, तो आप निश्चित तौर पर मान के चले कि आपको कंपटीशन से बाहर होने की संभावनाएं दृष्टिगत होने लगती हैं, क्योंकि यह प्रश्न सारे लोग सही करते हैं, लिहाजा इसमें आपको बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। भारत में गैंडों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पाई जाती है। वेयर इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ रेनो फाउंड इन इंडिया। दोस्तों काजीरंगा वेल फेम्ड है, वन हॉर्न राइनो फेमस, और आप समझ सकते हैं काजीरंगा इसका बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है वह भी ट्रेडिशनल है, UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है। बड़ा ही कभी कभी प्रश्न बड़े ही आसान होते हैं, लिहाजा आपको बहुत डर के भयग्रस्त होकर के रहने की ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि आप अपने सब्जेक्ट में डेप्थ ऑफ नॉलेज डेवलप करें। जनरल नॉलेज में GK के पोर्शन में आपको ट्रेडिशनल क्वेश्चन भी मिलते हैं, आसान प्रश्न भी मिलते हैं, थोड़े से टफ प्रश्न भी मिलते हैं, बट यू बस ओनली यू हैव नीड टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको अर्हता हासिल होगी, दक्षता हासिल होगी, कॉन्फिडेंस हासिल होगा, और आप 25+ जिसको लेकर के चल रहे हैं उसको अचीव कर लेंगे और अपनी अनंतिम सफलता सुनिश्चित कर लेंगे। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा नैरोबी, नैरोबी जो केन्या की राजधानी है। और अब बढ़ेंगे हम 16वें प्रश्न की तरफ और 16वां प्रश्न है, वेयर डिड द फर्स्ट अर्थ समिट टेक प्लेस, यानी कि पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ। दोस्तों एनवायरमेंटल जो समिट है, चाहे क्योटो हो, चाहे मॉन्ट्रियल हो, चाहे स्टॉकहोम सम्मेलन हो, या फिर ये रियो डी जेनेरो का जो सम्मेलन हो, इनको आपको अपने जहन में रखना ही होगा। रियो डी जेनेरो इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 17 एंड दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू ह्यूमन एंड एनवायरमेंट। दिस इज द योर यूनिट 4th मैन एंड एनवायरमेंट, योर यूनिट 4th एंड द क्वेश्चन इज वेयर इज द मोस्ट बायोडाइवर्सिटी फाउंड। ये जो चार ऑप्शन दिए हैं उसमें सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, टुंड्रा में, शंकुधारी वनों में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, या शीतोष्ण वनों में। ऑब्वियसली इसका जो सही जवाब होगा वह होगा द ट्रॉपिकल, इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, यानी कि 17C बिल्कुल सही जवाब हुआ। अब हम बढ़ेंगे 18वें प्रश्न की तरफ और 18वां प्रश्न यहाँ पे एक बार सेंसस से है। एक चीज़ आपको अपने दिमाग में रखना होगा कि जो टॉपिक मेंशन है आपके सिलेबस में उनको आप अपने दीवार पर चिपका लीजिए और उस पर टिक करते हुए आगे बढ़ें। सेंसस इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, नाउ यू सी द क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का स्त्री पुरुष अनुपात क्या है। बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, व्हाट इज द मेल फीमेल रेशियो ऑफ इंडिया एज पर सेंसस 2011। 940 जो है पर 1000 पुरुष पर जो महिलाओं की संख्या है 940 है, और यही इसका सही जवाब है, ऑप्शन डी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, 19वें प्रश्न की तरफ
और 19वां जो प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ज्योतिपुंज ऑफ एशिया? दोस्तों भारत की नहीं, भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है कि एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जिसे जाना जाता है वह है गौतम बुद्ध, जो बुद्धिज्म के फाउंडर गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध से निश्चित तौर पर कई प्रश्न आते रहे हैं, गौतम बुद्ध इसका सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे 20वें प्रश्न की तरफ, और 20वां प्रश्न है, भारत की किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो सबसे अधिक लंबा जो समुद्री तट है वह गुजरात का है, सेकंड प्लेस आंध्र प्रदेश का है, तो यहाँ पर गुजरात सही जवाब हुआ। अगला प्रश्न देखें, थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन है बहुत आसान। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? दोस्तों राज्यसभा की बात की जा रही है, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना होगा। लोकसभा तो भंग की जा सकती है लेकिन राज्यसभा जो है वह परमानेंट पार्लियामेंट है, वह कभी भंग नहीं किया सकता, लिहाजा इसको न राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं, न उपराष्ट्रपति भंग कर सकते हैं, न सर्वोच्च न्यायालय भंग कर सकता है, यह उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपसे कह चुका हूँ कि यह जो है परमानेंट आपकी पार्लियामेंट है, तो राज्यसभा जो उच्च सदन भी जिसको हम बोलते हैं, तो लिहाजा इसका जो सही जवाब होगा वह होगा 21 का डी। दोस्तों प्रश्नों को आकलित करते हुए चलिए, प्रश्नों को देखते हुए चलिए, प्रश्नों के पैटर्न को समझते हुए चलिए, बस फिर आप अपने मंजिल की तरफ बहुत आसानी से बढ़ जाएंगे। बहुत हवा नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ज़्यादा भयाक्रांत होने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी सी सिस्टमेटिक वे में अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और अपनी सफलता को प्राप्त करने की ज़रूरत है। बढ़ेंगे 22वें प्रश्न की तरफ, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? आप जानते हैं आपके सिलेबस का हिस्सा है 1857 से लेकर के 1947 तक जो आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उसी के बीच से यह प्रश्न है। ड्यू टू विच इंसिडेंट गांधी जी विड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? आपको पता है गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में शुरू किया था लेकिन 1922 में उन्होंने वापस लिया, जब वह भी तब जबकि आंदोलन अपने पीक करके उन्हें बहुत सारे अंतर्विरोधों का सामना भी करना पड़ा था। लेकिन आप जानते हैं गांधी जी सत्य और अहिंसा उनकी दो मुख्य हथियार थे, अब इसमें कितनी अच्छाई है इसको लेकर बड़ा ही कंट्राडिक्शन रहा है। बहरहाल यह जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर हुआ वह चौरी चौरा स्कैंडल जो हत्याकांड हुआ था, जहां पर कि जला दिया गया था बहुत सारे सिपाहियों को थाने से और उसमें बहुत सारे अपने भारतीय किसान भी घायल हुए थे, मारे गए थे। तो ये सारी जो हिंसात्मक कार्रवाई हुई थी इसको लेकर के गांधी जी ने अपने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। बढ़ेंगे 23वें प्रश्न की तरफ, और 23वां प्रश्न जो है एक बार इंडियन इकोनॉमी से है, जीएसटी किस तरह का कर है? बड़ा ही आसान प्रश्न है, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी संबंधित प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा, मेरे सारे प्रैक्टिस सेट और टेस्ट सीरीज में इन सारे प्रश्नों के एक्सटेंशन है, बहुत सारे प्रश्नों का संग्रह है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, आप पैटर्नों को समझ जाते हैं, सो फार सो गुड। अगर आपको लगता है कि यू हैव नीड ऑफ दैट मटेरियल्स, यू कैन कॉन्टेक्ट विथ मी, और आपको बड़े ही न्यूनतम राशि अदा करने पर इस सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। बहरहाल बढ़ेंगे 24वें प्रश्न की तरफ, और 24वां प्रश्न यहाँ पर देखें, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, इनसे प्रश्न आते रहे हैं। और यहाँ पर जो मैंने प्रश्न का चयन किया है कि भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है कौन, इनमें से कौन, हु इज कॉल्ड मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया? दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती आयोग के राजा राम मोहन राय आयोग के फेवरेट टॉपिक में रहे हैं। इनसे पूर्व के प्रश्नों को आपने अगर एनालिसिस किया होगा और करना भी चाहिए तो आपने पाया होगा कि राजा राम मोहन राय से प्रश्न आए हैं, वेदों की ओर लौट आओ, कम बैक टू द वेदाज, इससे भी प्रश्न आए हैं। और यहाँ पर भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो भारत का मार्टिन लूथर स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है, इसका सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे 25वें प्रश्न की तरफ, बड़ा ही ट्रेडिशनल प्रश्न है कि भारत सरकार ने, मैंने बताया आपसे कि बड़े ही सिंपल प्रश्न होते हैं यद्यपि थोड़े टफ भी होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता जिसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ऐसा बहुत सारा भयाक्रांत होने की जरूरत नहीं कि ये मैं 25 या मेरा 15 होगा 14 होगा, बस उसी को
थोड़ी सी मेहनत और प्रयास से 25 प्लस में कन्वर्ट किया जा सकता है। भारत सरकार ने 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम किया, कब किया यह आपको बताना है, 1969 इसका सही जवाब हुआ। 1969 में 14 बैंक बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। बढ़ेंगे 26वें प्रश्न की तरफ, निम्नलिखित फसलों में से किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स बेनिफिटेड द मोस्ट फ्रॉम द ग्रीन रेवोल्यूशन इन बोथ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। दोस्तों, जैसा कि मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि आपको पैटर्नों को वॉच आउट करना है। जो भी मैं प्रश्न चयन करता हूँ वो सारे करीब करीब उस पैटर्नों के बिहाव पर होते हैं। अभी इससे पूर्व भी मैंने बताया था आपसे कि राजा राम मोहन राय हो या फिर आप दयानंद सरस्वती हो, इन सारे से प्रश्न आते रहे। और इससे पूर्व अभी ये प्रश्न आप देख रहे हो, इसमें जो रिवोल्यूशन की बात की गई है, ग्रीन रिवोल्यूशन की बात करी गई, किस फसल को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला था, वैसे ही आपने देखा हो कभी पिंक रिवोल्यूशन आया, तो सारे रिवोल्यूशन को आपको अपने जहन में रखना होगा क्योंकि उससे प्रश्न बनते हैं। इन सारी चीज़ों को जैसा कि मैं पढ़ाने के दौरान या फिर क्वेश्चन को तैयार करने के दौरान, प्रैक्टिस शीट तैयार करने के दौरान इन सारी बातों को अपने जहन में रखता हूँ और आपको भी रखना होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि नो वन कैन टॉट यू, कोई आपको शिक्षित नहीं कर सकता, आप दूसरे को शिक्षित करने के लिए बने हो। बस यू हैव नीड अ प्लेटफॉर्म ओनली, बस आपको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिला हुआ है, वो मिलने की तलाश में आप प्रयासरत हो और बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। तो बस आपको सिर्फ पैटर्नों को जानना है कि कहाँ से आ रहे हैं। और यहाँ पर आप देखें कि प्रश्न कह रहा है किस फसल को सबसे ज़्यादा प्राप्त हुआ, ऑब्वियसली गेहूँ को प्राप्त हुआ था, गेहूँ इसका सही जवाब हुआ। पढ़ेंगे 27वें प्रश्न की तरफ, और 27वां प्रश्न कह रहा है कि नागरिकों के मूल कर्तव्यों की सूची भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है। तो यह दे गई है 51A। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, मूल कर्तव्य रशिया से लिए गए हैं, आप इससे अवगत होंगे। 51A आर्टिकल के अंतर्गत इसको उपबंधित किया गया है, इसका सही जवाब हुआ। और यह इंडियन पॉलिटिक्स से प्रश्न है। बढ़ते हुए हम आ गए हैं 28वें प्रश्न की तरफ, और 28वां प्रश्न जो है वह आपका एस्ट्रोलॉजी से है, ब्रह्मांड से है। और इस प्रश्न को देखें, सोलर सिस्टम से है कि व्हाट डज द कलर ऑफ अ स्टार रिप्रेजेंट। इस प्रश्न को आप देखें, बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, किसी तारे का रंग दर्शाता है, तो तारे के रंग के अकॉर्डिंगली हम उसके टेम्परेचर को फाइंड आउट करते हैं, उसके ताप से, यानी कि 28 का बी इसका सही जवाब हुआ। इन सारे प्रैक्टिस सीट को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया गया है, सिर्फ इसलिए किया गया है कि बहुत सारे लोगों की जो इंग्लिश वर्जन में या हिंदी में थोड़ी सी भी क्लिष्टता अगर होती थी प्रश्नों को समझ में नहीं आने की, तो सारे मटेरियल्स अब इंग्लिश में भी उपलब्ध हैं। जिसको ज़रूरत है वह थोड़ी सी न्यूनतम राशि देकर के उसको प्राप्त कर सकता है और समझ सकता है, ले सकता है। अदरवाइज आप YouTube से भी बेनिफिटेड हो सकते हैं, जैसा आपको लगे। खैर, इससे पूर्व भी आयोग में 29वां प्रश्न आप देखें कि पुस्तकों से भी प्रश्न आए हैं। मुद्रा रसस का लेखक निम्न में से कौन है, गीत गोविंद तो फॉर एवर क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ मुद्रा राक्षस को मैंने रखा है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ मुद्रा राक्षस। सही जवाब विशाखा दत्त इसका सही जवाब है। कुछ हिस्टोरिकल बुक्स आप अपने जहन में अवश्य रख लीजिएगा जिससे प्रश्न आते हैं। विशाखा दत्त मुद्रा राक्षस सही जवाब। बढ़ते हुए आ गए हम 30वें प्रश्न की तरफ, और 30वां प्रश्न करेंट है क्योंकि अभी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, और उससे ही एक प्रश्न मैंने रख दिया है, और बड़ा ही आसान सा प्रश्न मैंने रखा है। और वह प्रश्न है कि वर्तमान में भारत सरकार के शिक्षा मंत्री कौन है। तो वर्तमान में आपको पता होगा रमेश पोखरियाल निशंक वर्तमान में भारत सरकार के शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा मंत्रालय को संभाल रहे हैं। तो इसी के साथ यह 30 प्रश्नों की श्रृंखला का एक प्रैक्टिस सीट समाप्त हुआ। हम फर्दर अपने टेस्ट सीरीज जो मेरी चल रही है उसके साथ और प्रैक्टिस सेट के साथ सदैव आपके बीच उपस्थित रहते रहेंगे। आपकी तैयारी चलती रहेगी और आप अपने उस तैयारी में लगे होंगे, इसी आशा के साथ धन्यवाद।